जय हिंद बच्चों, मैं आनंद चौहान पाथफाइंडर डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूं। टीएस 50 की बात हो रही है, एसएसबी की डेट्स बच्चा आ चुकी है, कल एसएसबी की डेट्स रिलीज हो चुकी है, सेंटर्स अलॉट हो चुके हैं एसएसबी सेंटर्स। सभी डिफेंस एस्पिरेंट जिन्होंने फॉर्म भर रखे थे, पहली बात तो वो जल्दी से अपना जो है ऑफिशियल जो वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in पे जा करके वो चेक करें आपका नाम उसमें है या नहीं। जो भी बच्चे शॉर्टलिस्टेड हुए हैं उन सभी बच्चों को पाथफाइंडर डिफेंस एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका नाम शॉर्टलिस्टेड हो चुका है और आप एसएसबी यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के गेट तक जाने वाले हैं। चाहे वो इलाहाबाद भी हो सकता है, वो आपका भोपाल भी हो सकता है, वो कपूरथला भी हो सकता है और वो आपका बैंगलोर बोर्ड भी हो सकता है, क्योंकि चार बोर्ड पूरे भारत में है आर्मी के बोर्ड। तो इस चीजों का जो है अगर उन गेट इन चीजों का ध्यान रखते हुए आपको तैयारी को जो है क्या करना तेज कर देना है। बेटा मैं बता दूं, जैसा कि अभी तक पता चला है सोर्सेस के आधार पर, जो बच्चे जिनकी एंट्रीज आ चुकी हैं, काफी सारे मैसेजेस कॉल्स आए हैं, करीब 22-23 अगस्त से यानी अगस्त लास्ट से जैसा कि नेवी टेक स्टार्ट हो रहा है ठीक उसी प्रकार आर्मी टेक भी स्टार्ट हुआ है। अगस्त लास्ट से जो है कुछ लोगों की कॉल्स है, लेकिन सामान्यता जो सबसे ज्यादा कॉल्स आई हुई है वो सितंबर में है। तो हम मोटा मोटा मान के चलते हैं बेटा अगस्त से जो स्टार्ट होगा एसएसबी का सफर बच्चों का, वो पूरा सितंबर तो श्योर शॉर चलने वाला है, अक्टूबर भी जो है कहीं ना कहीं कुछ दिनों 10-5 दिनों तक जरूर आगे तक जाएगा ये कारवा। अब डेट आ चुकी है, आप जो भी बच्चे शॉर्टलिस्टेड हुए हैं तो मैं फिर बता रहा हूं, अब तैयारी को जो है आप बेटा जो है आपको कहना आपको तैयारी को बेटा फाइनलाइज करना है, तैयारी को उस हद तक लेके जाना है ठीक है ना, कि जहां से जो है आपको कभी भी रिग्रेट ना हो बाद में, क्योंकि एक अटेम्प्ट और एक सीट मोर देन सफिशियंट होता है किसी भी बच्चे को ऑफिसर बनने के लिए। अगर ऑफिसर बनना है तो मैं हमेशा कहता हूँ ये एसएसबी का जो रास्ता है, ये एसएसबी का जो स्टेज है, इसे सभी को गुजर के ही निकलना होता है, और गुजरना ही नहीं होता है उसे पास करना होता है। गुजार तो आप यू भी 5 दिन वहां पर जाकर सकते हैं अगर आप स्ट्रेंड होते हैं तो, बेहतर परफॉर्मेंस के साथ, बेहतर आइडियाज के साथ ठीक है ना, बेहतर साइकोलॉजी के साथ जब आप सिलेक्शन सेंटर्स में जाते हैं एसएसबी बोर्ड में जब आप एंटर करते हैं, तो जो आपका एक पॉजिटिव जो एटीट्यूड होता है वो आपके एसएसबी को क्लियर करने में बहुत हेल्प करता है। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ अगस्त स्टार्ट होने वाला है, अगस्त लास्ट से जो है एसएसबी की रेट्स स्टार्ट हो चुकी है। तो दुनिया भर के भारत के जो भी कोने से बच्चे हैं डिफेंस एस्पिरेंट हैं, जो भी जिनकी भी एसएसबी रेट्स आ चुकी है, तो अब समय को बिल्कुल कतई ना जाया करें बेटा। 22 दिन का मिनिमम कोर्स होता है जो लगभग 1 महीने के अंदर समाप्त होता है हमारे यहाँ पर। आप पाथफाइंडर डिफेंस एकेडमी आ सकते हैं और आ करके हमारे यहाँ पर जो एसएसबी की जो क्लासेस है बेटा, वो एसएसबी की क्लासेस का फायदा उठा सकते हैं। अगेन हम आपको इस चीज को क्लेम करते हैं, हम इसी को गारंटी देते हैं और हम क्लेम करते हैं कि बेटा अगर आप पाथफाइंडर डिफेंस एकेडमी आते हो तो आपके यहाँ पर एसएसबी की जो क्लासेस है बेटा वो सारे के सारे एक्स बोर्ड मेंबर्स के द्वारा दी जाएंगी, कोई सिविलियंस या कोई सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स आपको क्लास यहाँ पर नहीं देगा। ऑल द क्लासेस कंडक्टेड बाय एक्स बोर्ड मेंबर्स, और हम इस चीज की आपको गारंटी देते हैं, क्योंकि जिस प्रकार हर डॉक्टर ऑपरेट नहीं कर सकता है, ऑपरेशन करने वाला कौन होगा, ही मस्ट बी अ सर्जन, ठीक उसी प्रकार इसमें भी और स्पेसिफिक चीजें होती हैं कि अगर आपको किडनी का ऑपरेशन कराना है, पथरी हो गई है, तो आप जाहिर सी बात है किसी न्यूरोसर्जन के पास नहीं जाएंगे, किसी दिल वाले डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, आपको अपनी पथरी का ऑपरेशन पथरी के डॉक्टर ही करेगा आपका, यानी जो यूरोलॉजिस्ट होगा। तो ठीक उसी प्रकार DIPR में जो ट्रेंड ऑफिसर्स होते हैं वो मैं क्लियर कर दूं, एक तो GTO ऑफिसर होता है, एक साइकोलॉजिस्ट होता है, एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर होता है, तो सबका अपना इंडिविजुअल रोल है वहां पर, सबका अपना इंडिविजुअल जो है चेक करने का पैटर्न होता है। तो वो तीनों चीजें आपको हमारे यहाँ पर मिलने वाली है, जिसमें मैं आपको बता दूं मेजर जनरल एस के सिंह सर, ही वॉज एक्स साइकोलॉजिस्ट कमांडेंट रहे कपूरथला सिलेक्शन सेंटर के, इसके अलावा कर्नल अशोक पाठक सर, ही वॉज एक्स GTO एट इलाहाबाद बोर्ड, कर्नल प्रवीण कुमार श्रीवास्तव सर इंटरव्यू ऑफिसर रहे भोपाल बोर्ड में, ग्रुप कैप्टन एल के पांडे सर, ही वॉज एक्स साइकोलॉजिस्ट एट वाराणसी बोर्ड ठीक है, एंड कर्नल पंकज मेहरा सर, ही वॉज एक्स GTO। तो दीज आर द लीजेंड्स, दीज आर द मेंबर्स जो आपको यहाँ पर एसएसबी की गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, और हम क्लेम करते हैं कि हम यही लोग हैं जो आपको शुरू से लेकर अंत तक बेटा एसएसबी की गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। तो जल्दी से पैक कर लीजिए अपना बैग और तैयारी को अंजाम देने के लिए, अपने इस आखिरी युद्ध को लड़ने के लिए आप जो है पाथफाइंडर डिफेंस एकेडमी आ सकते हैं, जहां पर सुबह से लेकर शाम तक लगभग प्रॉपर एसएसबी की क्लासेस मिलेंगी। पर डे आपको OIR टेस्ट मिलेगा, स्क्रीनिंग प्रोसीजर होगा, Day 1 से लेकर Day 5 की जितनी सारी चीजें होती हैं वो हमारे यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से मिलती हैं। और यही कारण है कि अगर हम 2023 की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में सबसे हाईएस्ट रिजल्ट है हमारे पास ठीक है। तो आप
जैसा कि आप वीडियोस देखते चले आ रहे हैं, लगातार पीछे जो सिलेक्टेड बच्चे हैं वो आ रहे हैं, उनके वीडियोस आ रहे हैं फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सभी जगह जो है उनके क्रिएटिव्स पड़े हुए हैं। तो आप जो है उसको देख करके आप इवेल्युएट कर सकते हैं कि जो चीजें यहाँ पर मिल रही है वो एकदम अप टू द मार्क है, और तभी यही कारण है कि जो बच्चा जा रहा है वो सेलेक्ट होकर के ही वापस आ रहा है। स्क्रीनिंग का 95% रेट है, अगर 100 बच्चा कोई अगर आएगा तो 5 बच्चे से ज्यादा हमारा कोई स्क्रीन आउट नहीं होता है, इसीलिए हम उसे सो कॉल्ड 100% स्क्रीन रेट कहते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए, स्क्रीनिंग होएंगे तभी आप 5 दिन रुकेंगे, तभी आपके ऊपर आगे के जो है जजमेंट्स आएंगे, आप यानी कि आप सेलेक्ट होते हैं या नहीं होते हैं। तो इस आधार पर आप जो है तैयारी को करें बेटा, और अगेन मंडे से नया बैच स्टार्ट होने वाला है, आप ज्वाइन कर सकते हैं 5 मिनट डिफेंस अकेडमी को। जय हिंद, जय भारत।